सेवन बिग कैटेगरीज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग SEO सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन SEM सर्च इंजिन मार्केटिंग कंटेंट मार्केटिंग ईमेल मार्केटिंग एफिलिएट मार्केटिंग यूट्यूब मार्केटिंग PPC मींस पे पर क्लिक मार्केटिंग गाइस एवरीथिंग मैं सब बताने वाला हूँ, वीडियो को एंड तक देखना, स्टे ट्यून। आई सेट योर एक्सपेक्टेशन हाई बिकॉज़ आई वांट टू लेवल अप। इंटरनेट मार्केटिंग के लिए सीरियस हो वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ, एक टिप देने वाला हूँ। डिजिटल मार्केटिंग का दो पिलर है, एक है ऑफलाइन मार्केटिंग, एक है ऑनलाइन मार्केटिंग। मैं पहले ऑफलाइन मार्केटिंग पे बात करता हूँ। जब आप रोड पे चल रहे होते हो, आपने देखा होगा बैनर, बड़ी बड़ी बैनर टंगी होती है, पोस्टर टंगी होती है, उसमें जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, जो बहुत ही कॉस्टली होता है और लिमिटेड लोगों के लिए होता है। फिर दूसरे नंबर पे आता है टीवी मार्केटिंग, आपने टीवी पे देखा होगा एड जो चलते रहते हैं, दूसरे नंबर पे आता है टीवी मार्केटिंग। फिर रेडियो मार्केटिंग पे सुना होगा आपने, जो रेडियो के शौकीन है वो रेडियो सुनते होंगे, तो बीच बीच में एड भी चलता है, राइट। तो ये रेडियो मार्केटिंग भी ऑफलाइन मार्केटिंग में आता है। फिर आता है फोन मार्केटिंग, उसमें क्या होता है, उसमें कॉल कॉलिंग करते हैं अपने प्रोस्पेक्ट से बात करने के लिए, अपने कस्टमर से बात करने के लिए, कभी कभी टेक्स्ट भी करना पड़ता है सर्विस और प्रोडक्ट को बेचने के लिए। ये सारी चीज क्या है, ऑफलाइन मार्केटिंग में आता है जो कि लिमिटेड लोगों तक पहुंच सकता है। अब बात करता हूं ऑनलाइन मार्केटिंग में, इसके लिए आप लोग वीडियो देख रहे हो। ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम। ऑनलाइन मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग से बहुत ही अलग है और बहुत ही इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है और ज्यादा लोगों तक पहुंच भी सकते हो आप। इसीलिए आपको डिजिटल मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए मैं अभी बताता हूं। पहला तो कॉस्ट इफेक्टिव है, दूसरा कि मैं ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता हूँ, ज्यादा कस्टमर तक पहुंच सकता हूँ, जो पोटेंशियल कस्टमर है, पोटेंशियल क्लाइंट है, वहां तक पहुंच सकता हूँ इजीली ऑनलाइन। अगर मैं इंडिया में हूं तो मैं यूएस यूके कनाडा तक पहुंच सकता हूँ ऑनलाइन, वहां के कस्टमर तक पहुंच सकता हूँ विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। और ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता है, ऑफलाइन में हम लिमिटेड कस्टमर तक पहुंच पाते हैं, भी लिमिटेड जगहों में। ऑफलाइन में हम सेम कस्टमर से बार बार इंटरेक्शन नहीं कर पाते, उन्हें बार बार अपना प्रोडक्ट और सर्विस बेच नहीं सकते। बट ऑनलाइन में ऐसा फैसिलिटी है कि हम अपने कस्टमर को बार बार प्रोडक्ट बेच सकते हैं, अपनी सर्विस बेच सकते हैं, है ना सही। एक कस्टमर को आप 1000 प्रोडक्ट बेच सकते हो अगर आपके अंदर स्किल्स है। डिजिटल मार्केटिंग को एज ए सब्जेक्ट मत देखो, ये एक स्किल है। अगर आपने डेवलप कर लिया तो आप स्टैंड आउट करते हो क्राउड से, आप अलग दिखते हो। या तो डिग्री में एडमिट कर लो, या तो अपने लाइफ को इनहेंस करने में लगा, अपने स्किल्स को बढ़ाने में लगा, अपने नॉलेज को बिल्ड करने में लगा। डिजिटल मार्केटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो कस्टमर है आज के टाइम ये ऑनलाइन है, तो हमें जो पोटेंशियल कस्टमर है, जो पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट है वो ऑनलाइन है, तो हमें ऑनलाइन आना पड़ेगा। जितनी भी कंपनी है, जितने भी ब्रांड है, सब लोग ऑनलाइन आ रहे हैं अपने कस्टमर को ढूंढने के लिए, अपने सर्विस अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो ऑनलाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर पर्सपेक्टिव में, चाहे प्रोडक्ट बेच रहे हो, चाहे सर्विस बेच रहे हो, चाहे खरीद रहे हो, चाहे जॉब करने के लिए देख रहे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्किल्स है, डेवलप कर लो। चलो फिर बात करते हैं एक एक करके। पहला आता है SEO सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन। इसमें क्या करते हैं, इसमें कीवर्ड सर्च करते हैं। जैसे आपने YouTube पे सर्च करा होगा कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिगिनर्स, ये कीवर्ड है जो मैंने पहले सर्च करा था ताकि आप लोगों को ढूंढने में दिक्कत ना हो। टाइटल में मैंने लगा था डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिगिनर्स, ये कीवर्ड है। सेम SEO काम करता है, हमें कीवर्ड सर्च करते हैं पहले, कोई भी कंटेंट या कोई भी टाइटल अपलोड करने से पहले। जैसे गूगल का कीवर्ड ले लो आप, या तो कीवर्ड एवरीवेयर, ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जहां पे हम कीवर्ड सर्च करते हैं, कोई भी कीवर्ड सर्च कर सकते हो आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर पर्सपेक्टिव में। फिर आता है SEM सर्च इंजिन मार्केटिंग, ये है पेड टैरिफ। हम अपने पैसे देके पेड ट्रैफिक लेके आते हैं अपने वेबसाइट पे, इसको वेबसाइट प्रमोशन बोलते हैं, पेड वेबसाइट प्रमोशन। हमें पैसा देना पड़ता है, इसके लिए यूज करते हैं PPC पे पर क्लिक। हमें क्या करना होता है इसमें, अगर कोई भी जब क्लिक करेगा तब पैसा पे करना पड़ेगा हमें, इसका ये मतलब। फिर आता है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट आपने मेरे डिस्क्रिप्शन पढ़ा होगा अभी, ये भी कंटेंट मार्केटिंग। जो चीज भी देखते हो, जो भी पोस्ट देखते हो, उसका जो डिस्क्रिप्शन होता है, टाइटल होता है,
एवरीथिंग कॉल टू एक्शन मीन्स साइन अप लर्न मोर, ये जितना भी है सारा कंटेंट मार्केटिंग के अंदर आता है। आपने आर्टिकल देखा होगा, कोई ब्लॉग पोस्ट देखा होगा, ई बुक जो पढ़ते हो, सारा क्या है कंटेंट मार्केटिंग है। हम कंटेंट मार्केटिंग में क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट है, जो फिजिकल प्रोडक्ट है, उसको हम कंटेंट के रूप में लिखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। हम पहले रिव्यू देखते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, फिर कुछ खरीदते हैं, राइट। आता है यूट्यूब मार्केटिंग। अभी आपने वीडियो के बीच में देखा होगा एड आ रहा होगा, ये क्या है, ये भी एक एडवर्टाइज है, एड चल रहा है। जो ऑनर है एड का, उन्होंने पे करा होगा यूट्यूब को, यूट्यूब पे करेगा हमें क्योंकि मेरी वीडियो पे आ रहा है। ये तब मुझे पैसे मिलेंगे जब आप लोग उस पर क्लिक करोगे। अब नेक्स्ट है सोशल मीडिया मार्केटिंग, हम लोग का फेवरेट इंस्टाग्राम फेसबुक। कौन कौन लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हो, कौन कौन दोनों लोग पे है, कमेंट में बताओ और मुझे भी अपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड करो। सब लोग ऑनलाइन है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आज के टाइम। हमारा कस्टमर, हमारा प्रोस्पेक्ट, हमारा पोटेंशियल बायर सब लोग कहाँ पे है, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे। तो हमें क्या कहाँ जाना, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, राइट। हम प्रोडक्ट बेचने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, हमें सर्विस बेचने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, हमें फेसबुक पे जाना पड़ेगा क्योंकि हमारा पोटेंशियल बायर कहाँ पे, फेसबुक पे है ना, इंपॉर्टेंट। अब तक हम लोग बस मजे के लिए यूज कर रहे थे, चैट करने के लिए यूज कर रहे थे, दोस्तों से रिलेटिव से बात करने के लिए यूज कर रहे थे, बट आप क्या करना है, हमें अपने बिजनेस के लिए यूज करना है। हमें ढूंढना है पोटेंशियल बायर, पोटेंशियल क्लाइंट अपने प्रोडक्ट और सर्विस के लिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। कोई भी सीख सकता है, कोई भी इजली बिजनेस रन कर सकता है, प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो आप बात करते हैं फेसबुक पे कैसे ढूंढोगे अपने पोटेंशियल बायर को, पोटेंशियल कस्टमर को। आपने सुना होगा फेसबुक ऐड करना, फेसबुक ऐड पे क्या करते हैं, हम कस्टम ऑडियंस बनाते हैं अपने डेमोग्राफिक देख के, एज देख के और इंटरेस्ट देख के। अगर किसी को डिजिटल मार्केटिंग पसंद हो, हम डिजिटल मार्केटिंग के ऑडियंस को ढूंढेंगे। हम कंट्री सिलेक्ट करते हैं, हम स्टेट सिलेक्ट करते हैं, हम किसी भी कंट्री में जा सकते हैं, वहां कस्टमर को ढूंढ सकते हैं। फेसबुक ऐड या तो गूगल ऐड का यूज करके आप कस्टमर तक पहुंच सकते हो, अपने पोटेंशियल बायर तक पहुंच सकते हो इजीली विदाउट गोइंग मच वर्क। फिर आता है ईमेल मार्केटिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इजी है अगर सीख जाओगे। सोचो मुझे अगर 1,00,000 लोगों को मेल करना है तो क्या मैं एक एक करके सबको मेल करूंगा क्या, इतना टाइम है क्या मेरे पास और आपके पास। इसलिए आया ईमेल मार्केटिंग। इससे क्या होता है, हम कैंपेन रन करते हैं, हम ऑटोमेट करते हैं अपने वेबसाइट से लिंक को ऐड करते हैं, अपने लैंडिंग पेज से लिंक को ऐड करते हैं, उसको ऑटोमेट करते हैं ताकि हम बहुत सारे कस्टमर को एक साथ मेल कर सकें। इसलिए आता है ईमेल मार्केटिंग, ये बहुत इजी है। इसमें टर्म आया था लैंडिंग पेज, ये है क्या, इसको ऑप्टिन पेज भी बोलते हैं या तो कॉन्टेक्ट फॉर्म भी बोलते हैं, जहाँ पे हम कस्टमर या क्लाइंट का कॉन्टेक्ट रिसीव करते हैं ताकि हम उससे बाद में इंटरेक्ट कर सकें, बाद में उसे सर्विस या प्रोडक्ट बेच सकें। इसलिए आता है ईमेल मार्केटिंग, ताकि हम कस्टमर से बार बार बाद में प्रोडक्ट और सर्विस बेच पाए। फिर आता है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग मीन्स मैं किसी और का प्रोडक्ट को बेचूंगा तब मुझे कुछ कमीशन मिलेगा उस प्रोडक्ट के लिए। अमेजन भी एफिलिएट मार्केटिंग करती है, जब उसकी कोई प्रोडक्ट को बेचोगे तब आपको कुछ कमीशन मिलेगा, 1-5% कुछ मिलता है, आप देख सकते हो। अगर आप बिगिनर हो, सीखना चाहते हो मार्केटिंग, एफिलिएट करो, बहुत ही अच्छा है। मैं भी एफिलिएट करता हूँ, करता था, करता हूं। अभी जितना सीखा आपने सब एक बेसिक चीज है ताकि आपको पता चले कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। अब मैं आगे की वीडियो में डेप्थ में बताऊंगा कि है क्या ये अच्छे से। तो तब तक आप ये जानो कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, पहले आपको जानना पड़ेगा, बेसिक क्लियर होने चाहिए। आप वीडियो को बार बार देखो जब तक क्लियर नहीं होता है। आप सर्च करो गूगल पे जाकर, यूट्यूब पे और भी सर्च करो जाके देखो और भी जानो इसके बारे में। नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है किसी काम को करने के लिए। चलो समअप करते हैं, क्या क्या सीखा हमने। हमने सीखा ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है, ऑनलाइन मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, एसईओ क्या है, एसईएम क्या है, कंटेंट मार्केटिंग क्या है, ईमेल मार्केटिंग क्या है, यूट्यूब मार्केटिंग क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, हमने जाना पीपीसी क्या है, पेपर क्लिक मार्केटिंग, राइट। तो हमने ये सब जाना बेसिक चीज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ा भी नॉलेज मिला हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो। Don't forget to hit the bell icon. Ghanta.